तो फिर बच्चा देना, बच्चा क्यों नहीं दे रही? पैसे देना। पैसे नहीं दूंगी, तू भी साथ। कौन सी बहू मांगती 3 लाख रुपए बकवास कर यहाँ पे? काट दूंगा तेरा, क्यों नहीं पता? 3 लाख रुपए मांग रही है ना बच्चा करने, देख कौन जूता है। आपने ये बोला था कि अगर लड़कियों की तो घर से निकाल दूंगी। हम जाते, तेरी शादी मैंने इसी दिन के लिए कराई थी, बता मेरे को। तुम कोई बच्चा नहीं हो रहा, 2 साल हो गए तेरी शादी को आने वाले। अरे मम्मी हो जाएगा मम्मी, मैं पहले कब हो जाएगा? सारे आस पड़ोस वाले लोग मेरे को कहते हैं कि तेरी बहू के घर ही कोई बच्चा नहीं हो, तेरे बेटे में कोई कमी है। मम्मी क्या जवाब दूं मैं लोगों को बता? मम्मी अपने पैरों पे तो खड़े हो जाऊं मैं अभी। पैरों पे घर में किस चीज की कमी है जो तू खड़ा होएगा मेरे को बता तो सही, क्या कमी दे रखी मैंने तुम्हारे को? मम्मी वो क्या? मम्मी मम्मी बोल, क्या दिक्कत है बच्चा होने में ये बता मेरे को। मम्मी कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर क्यों नहीं हो रहा है, बता तो सही, जवाब क्यों नहीं देता? मम्मी हो जाएगा, मैं पहले पैरों पे तो खड़े जाऊं अपने, मुझे अपने। अरे तो पैरों पे खड़ा तो है और कैसे पैरों पे खड़ा होगा? मैंने कोई कमी दे रखी है तुम्हारे को, तेरे को, तेरी घरवाली को किसी चीज की कमी है? मम्मी पहले कामयाब तो हो जाऊं मैं। क्या कामयाबी होगी तेरी, बता तो सही मेरे को, क्या कामयाबी चाहिए बता मेरे को? तू कौन सी कामयाबी नहीं है तेरे पास? घर में पैसे की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, सारी चीजें तो है हमारे घर में। क्या बात हुई, आप मार क्यों रहे हो उसको, क्या दिक्कत है? मारू ना, 2 साल हो गए इसकी शादी को, तो क्या बात? तो अभी तक कोई बच्चा नहीं कर रहा है, मेरे को बता नहीं रहा है कोई कमी है, मैं डॉक्टर को दिखा दूं, कुछ मुंह से बोलता ही नहीं है कि क्या नहीं क्या नहीं। आस पड़ोस में मेरे 2 पड़ोसियों में शादी हुई है, मेरी सहेलियों के घर में, उनके एक एक पोता हो गया है, मेरे घर में अभी तक एक बच्चा नहीं, कोई दिख भी नहीं रहा कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा। तो आप ये बात अपनी बहू से करो ना, अकेला ये क्या करेगा? तो दोनों मिलकर ही तो करेंगे, अब इसकी क्या मर्जी है? बहू से तो बाद में करूंगा, पहले इससे तो पूछो। राम ज्यादा से कमीना, कोई जवाब ही नहीं देता, कुछ करता ही नहीं हैगा। क्या दिक्कत हो रही है भाई? पल्ले पड़ गए। कोई नहीं, आप थोड़ा नीचे बैठ के बात कर लो। अब इसे कितने टाइम से, 2 साल भर से तो इसको आराम से समझा रही, मैंने कहा चल 1 साल बच्चे एंजॉय कर लेंगे, उसके बाद तो बच्चा करेगा कि नहीं करेगा, सारी जिंदगी में ऐसे ही चली जाऊंगी। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि पैर पे तो मेरा दिल नहीं करता मैं अपने पोते को देखूं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, आप गुस्सा करने से थोड़ी ना बच्चा होगा। तो ये सुनता ही नहीं है, क्या करूं बताओ? मम्मी पैर पे तो खड़े हो जाओ। अबे मम्मी मम्मी मत करा कर, हटे मम्मी मम्मी मम्मी, खाली मम्मी से कुछ नहीं होएगा, मुझे बच्चा चाहिए। मम्मी मैं कैसे कर लूंगा? कोई नहीं, कोई अपने बीवी के साथ मिलकर करेगा, और कैसे करेगा ये भी मैं बताऊंगी तेरे को। कोई नहीं, आप बैठ जाओ आंटी, 2 मिनट पूरी बात करते हैं। क्या बात करते हैं, इसको समझ आ रही है मेरी बात? समझा, मैं समझाता हूँ, आप आओ। तो मैं नहीं आ रही, पहले इसको अच्छी तरह समझाने दे मेरे को, अच्छी तरह समझाऊं मैं इसको। तेरी बहू मेरे को कहती है कि 3 लाख रुपए चाहिए मेरे को। किस बात का 3 लाख रुपए? तू कहती है 3 लाख दोगे तो बच्चा करूंगी। मम्मी वैसे बोल नहीं सकती है, मुझे नहीं पता। मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरे को उस पे यकीन है जो 2 साल की आई हुई, 25 साल का मैंने तुझे कर दिया और तेरे को मेरे पे यकीन नहीं है? हरामजादे कंजर, इस दिन के लिए तुझे पैदा करा था। मम्मी यार क्यों मार रही? कोई नहीं, सारे देख रहे हैं। मारूं बताना, कहां देर से बात? सारे देख रहे हैं, पता है आपको क्या बोलेंगे, कैसी कैसी माया। तुझे बच्चा नहीं सुनता है, सिन्ना लायक औलाद तो उसका क्या करें मैं? तो आप अपने आस पड़ोस वालों को देख के आप इसको ऐसे कर रहे हो, वो भी तो गलत है ना। बताओ ना, 2 सालों के, वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने आस पड़ोस वालों को देख के ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो। मर जाऊं क्या? नहीं तो मैं ये कह रही हूं अभी, नहीं वो अगले ना, वो हर साल एक बच्चा करते जाएंगे, आप हर साल इसको मारते जाओगे क्या? एक बच्चा तो देगा, 2 साल हो गए पैदा करते करते, 3 साल हो जाएंगे तो मैं कामयाब तो हो जाऊं। पहले दिक्कत है कुछ है मुझे बताए, डॉक्टर को दिखाऊं, पैसे की किसी चीज। आप अभी आराम से बात करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करें? वो 3 लाख रुपए वाली क्या बात है, पूरा बताओगे? कैमरा स्टार्ट कर रखा है। अरे तो बैठ के बात करो ना, चिल्ला क्यों रहे हो आप पार्क में आके? अरे तो कोई बात नहीं, अरे हम तो सुन रहे हैं आपको, थोड़ी देर बैठोगे जब? तो बच्चे के लिए कह रही हूँ तेरे को, थोड़ी देर शांति से भी तो बात कर सकते हो ना। इसको शांति से समझा रही हूँ, उस कंजर को समझ नहीं आ रही मेरी बात। तो आपका बेटा है किसी और का बेटा, थोड़ी ना मार के समझाओगे क्या उसको? बच्चा नहीं हो रहा तो मार रहे हो, बबली के बेटे को बच्चा हो गया तो मार रहे हो, कल शिल्पा के बेटे को लड़का हो जाएगा उसको मारोगे? कहूंगी तभी तो कुछ करेगा ना, क्या दिक्कत है मुझे बताए तो आप इसको बोलोगे जब ये करेगा, इसमें अपनी अकल नहीं है, छोटा बच्चा है, शादी करवा दी आपने, आप शादी के बाद आप इसको यूं गिनवा रहे हो कि तेरी शादी पे हमने 10 लाख रुपए लगा दिए, वो आपका हक था, लगा लिए अपने बेटे पे लगाए ना, रोड पे आते जाते बंदे पे थोड़ी ना लगाए 10 लाख रुपए। अरे तो मुझे ये तो बताया, 3 लाख रुपए कौन मांग रहा आपसे? मेरी बहू मुझे कह रही, मैंने उसको बोला कि तू बच्चा कर ले, कह रही मम्मी मैं तो बच्चा नहीं करने की, मेरे को तो पहले आप 3 लाख रुपया दो। किस बात का 3 लाख रुपया दूं? वही तो पूछ रहा हूँ, किस चीज के 3 लाख रुपए मांग रही है? 3 लाख रुपया चाहिए आपसे तो बच्चा करूंगी। हाँ तो बच्चा करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी। 3 लाख रुपए दोगे अपनी बहू को तो वो बच्चा देगी? तो बच्चा कर लेगी, इसका मतलब इनमें कोई कमी नहीं है ना? कहाँ से करेंगी वो बच्चा? इसी से करेंगी ना, करेगी
और कैसे करेगी, या फिर 3 लाख रुपए लेके कहीं और ना, इसी से करेगी, कह रही इसी से करूंगी, लेकिन पहले आप 3 लाख रुपए मेरे को दे दो, मेरे नाम फिक्स करवा दो, 3 लाख रुपए क्यों करा दो। क्या सीन है भाई, तेरी बहू 3 लाख रुपए किस चीज के मांग रही है? भाई मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता भाई, सिर्फ मैंने ये बोला था हम कि हम पहले अपने पैर पे खड़े जाएं, बाद में कुछ सोचेंगे, अब ये समझ नहीं, अब दिन रात कलेश हो रही है। नहीं एक बात बता, तेरी बहू ने तेरी माँ को यूं बोल रखा है कि अगर तू मुझे 3 लाख रुपए देगी तो मैं तेरे को बच्चा दूंगी? भाई वो ऐसा नहीं बोल सकती मुझे। तो तेरी माँ झूठ बोल रही है? भाई वो झूठ बोल रही है, तेरी माँ झूठ है, झूठी है, झूठ बोल रही है। मैं तेरे को साले मन बचा रहा हूँ, कब का बचाता जा रहा हूँ, बचाता जा रहा हूँ, तू झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। छोटे से बड़ा तेरे को इसने करा बहन, जो उसके बाद कह रहा है मेरी बहू सच्ची है, मेरी माँ झूठी है, कौन झूठा है कौन सच्चा? पता इन सब के बारे में भाई, मैं 3 लाख रुपए लेके प्रेगनेंट क्यों हो रही है वो, बिना पैसों के नहीं हो सकते क्या? तूने बोला उसको कि 3 लाख रुपए? मैंने कुछ नहीं बोला भाई। फिर वो क्यों ऐसे कह रही है? मुझे नहीं पता इस बारे में भाई, मैं क्या करूं बताओ आप, मुझे मुझे हर जगह सुनने को मिलती है, कभी इनसे कभी उससे। इसे ये पूछना है बच्चा करता क्यों नहीं आएगा, 2 साल क्या दिक्कत होगी? ये क्या दिक्कत, तेरी माँ जब तेरे को कह रही है कि मेरे को एक पोता चाहिए तो तू माँ की बात सुन क्यों नहीं रहा? भाई वो कुछ नहीं भाई, ऐसी बताएगा जब ही नहीं तो तेरे को मारती रहेगी, साले मर जाएगा यहीं पे, बोलना क्या बात है पूरी भाई। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं क्यों नहीं कर रहे हो बच्चा, क्या बात हो गई है भाई? मैं अपने पहले अपने दम पे खड़ जाऊँ पैरों पे। अच्छा मैं सोच रहा हूँ मैं तब करूँ, अभी ये समझते हैं मैं कब काम नहीं करता कोई भाई, नहीं अभी मैं छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, मैं इनके पैरों पे, मैं इनके कब तक खड़ा? कौन से पैरों पे खड़ा होएगा तू है, तेरे को किसी चीज की कमी नहीं है? तो ये जब जाएंगी तो सारा पैसा तेरा ही तो है, किसी और का थोड़ी ना है, ना मेरा आदमी ना मेरे बच्चे और जो सब कुछ है तेरे को ही देके जाऊंगी। उसके बाद भी इनको थोड़ी खुशी चाहिए बच्चा करने की, तू वो नहीं कर रहा? पोता ही तो मांग रही है, और क्या मांग रही तुम्हारे से? मम्मी तुम उनसे बोलो, जब तक वो नहीं होगी तो इनसे बोलो। तो तेरी घर वाली तेरी है ना साले, तू बात करेगा ना तो वो किसी और के पास भेज देगा तेरे को। क्या पूछ रहे तेरी माँ, क्या पूछ रही है तेरे से, पूछो क्या कह रही है? क्या कह रही है तेरी बीवी बोल। मम्मी वो कह रही कि हम अपने पैर पे खड़े हैं तब कुछ करेंगे। तभी क्या घुटनों पे खड़े हो गया तुम लोग? किस चीज की कमी है तेरे को ये बता, मैंने किस चीज की कमी दे रखी है तेरे को घर में, तेरे को या तेरे घर वाली को? मम्मी मुझे अपना फ्यूचर सोचना है। अबे फ्यूचर तो सारा कुछ तो तेरे लिए, ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे को ही दिया हुआ है, फ्यूचर सोचेगा? फ्यूचर क्या सोचेगा तू है, इतनी मेरी प्रॉपर्टी। अरे यार बैठ जाओ यार, आपने भी हद मत मारा कर देना। अरे मत मारो यार, बैठ जाओ आंटी, आपने तो हद कर रखी है यार। सुनते नहीं है ना, मैं क्या करूँ बता, पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी है, साल की है, 2 साल की है, सारा तो आपने ही बोल दिया, हमारी बात ही नहीं आई बोलने की, हम बिना बात आए यहाँ पे, बताओ यार, दुनिया देख रही है यहाँ पे, भीड़ इकट्ठे कर दी आपने अलग से। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के, होप हो गए सारे बढ़िया भाई। सारी चीजें आपने सुन ली होंगी, सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी होंगी, मेरे को कोई बोलने का कोई मतलब ही नहीं है कि मैं आपको क्या बोलूँ। मुद्दा यहाँ पे ये है कि शादी को 2 साल हो रखे हैं, ठीक है, छोटा मोटा काम करता है अपना, इनके आस पड़ोस में भी तभी शादियाँ हुई थी, 2-3 शादियाँ इकट्ठे हुई थी, 3 जो शादियाँ हुई थी 2 को उनमें से बच्चा हो रखा है, 1 को नहीं हुआ जो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इनका ये है कि भाई ना तो मेरा पति है मेरा, ना कोई और लड़का है, तू ही है, तो मेरे को एक पोते का सुख चाहिए। अब ये भाई साहब तो कह रहे हैं ठीक है, ठीक है हम अपने पैरों पे खड़े होंगे तो होंगे, लेकिन इन्होंने अपनी बहू से बात करी है तो बहू यूं कह रही है कि पहले मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, उसके बाद मैं बच्चा करूंगी, उससे पहले मैं कोई भी बच्चा नहीं करूंगी। अब ये सारी बातें देखने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, बहू को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, उसके बाद जो भी बातें होंगी इसको दिखानी पड़ेंगी कि उसकी बहू बोल सकती है नहीं, क्योंकि ये यूं कह रहा है कि मेरी माँ झूठी है और मेरी बहू सच्ची, यही कह रहा है ना। और अगर तेरी बहू ने सामने सामने 3 लाख रुपए मांग लिए फिर भाई मैं उसे तलाक दे दूंगा, है तलाक दे दूंगा। तो उसके बाद तेरी माँ 10 लाख रुपए लगा के दूसरी शादी कराए, यही काम बचा है तेरी माँ के लिए, तेरी शादी कराना, उसके बाद शादी कराने के बाद तेरे को याद दिलाना कि तेरे को बच्चा करना है, यही काम रह गया है? शर्म तो आती नहीं, नलायक है बिल्कुल, एक नंबर। तेरी बहू आ रही है तेरी माँ से मिलने के लिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, जो भी बातें होंगी तेरे सामने होंगी, चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो जाइए और अपने कानों से सारी बातें सुनियो, और जो भी तेरे को लास्ट में करना होगा, तलाक करना होगा, डांस करनी होगी, सारी यही चीजें होंगी कैमरे के सामने, समझ आ रहा है? नहीं तो ऐसे ही जिंदगी भर पिटता रहेगा, और तेरा काम भी सिर्फ पिटना ही है और कोई काम नहीं है तेरा, जब तू अपनी माँ को झूठा बोल के अपनी बहू को 2 साल आई हुई को तू सच्चा बोल रहा है, कोई अभी पता लग जाएगा ना, बहसबाजी मत कर। तो भाई वीडियो को देखना एंड तक, जो भी होगा आप सभी के सामने होगा, लड़की जो है ना बहू यहाँ पे आने वाली है, जो भी होगा देख लेना। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाँ चुड़े लेके आई पैसे, किस बात के पैसे दूँ? पहले तू मेरे से बात कैसे कर रही, तमीज नहीं है बात करने की? क्या है, कैसे बोल रही है तू मेरे साथ? तूने बंदोबस्त किया या नहीं किया पैसों का? कौन से पैसे दूँ तेरे को बता? तो भूल जा तू, बच्चा तुझे दूंगी मैं,
बच्चा अपने निकाल दे कि मैं पैसे तेरे को शर्म नहीं आती बच्चा करने के तू पैसे लेगी मेरे से? हाँ मैं लूंगी पैसे। तू पागल हो गई है? मेरे लड़के तेरे को शादी करके अपने घर में ले आया है, तू पैसे के मांग रही है बच्चे के लिए? चपड़ चपड़ मत कर, ठीक है देना है तो दे वरना कोई बात नहीं, दिमाग से अपने मेरे लड़के से ही बच्चा करेगी या किसी और से करेगी? यहाँ तो ये बताना पैसे किस चीज के दूं तेरे को? 3 लाख रुपए चाहिए? अगर तुझे बच्चा चाहिए तो मुझे पैसे। बच्चा चाहिए और मेरे लड़के से ही करेगी वो? 3 लाख रुपए मैं तेरे को दूं भी तो वो तो घर में ही तो रहेगा, कहीं किसी को दे आएगी? तुझे मतलब क्यों नहीं मतलब है? देने से मतलब है बस। क्यों नहीं है मतलब? 3 लाख रुपए सड़क पे ऐसे पड़े हुए जो मैं तेरे को उठा के दे दूं? नहीं देगी तो दिमाग से निकाल देगी, तुझे बच्चा मिलेगा? मेरे को बच्चा चाहिए, मैंने अपने लड़के को भी बोला, तुझे भी बोल रही हूँ। ये भूलने वाली चीज नहीं है, समझी? कैसे फा रही है मुंह से ही बात कर रही हूँ इतने टाइम से? तमीज तो तेरे को नहीं आके बदतमीज से बोल रही है? तेरे अंदर तमीज है? तमीज है तभी तेरे को अपनी बहू से बेटी बना के रखा हुआ घर में मैंने। हाँ बस ज्यादा मत बकवास मत कर, ठीक है? तो पैसे देगी तभी मिलेगा। पैसे तो नहीं आएंगे मेरे पास, जो मर्जी कर ले। तो भूल जा। क्यों भूल जाऊँ? है तेरे को शादी करके लाई थी अपने घर में, तो ऐसा नहीं लाई थी तो मैं क्या करूँ? शादी करके लाई थी, आस पड़ोस में पैसे नहीं देगी, लालच में तुझे ना अंदर करवा दूंगी मैं। आस पड़ोस में सबके बच्चे हो गए, मेरे को बच्चा चाहिए। सब कहते तेरी बहू के बच्चा क्यों नहीं होता, कोई दिक्कत है तो बता। तो देना मुझे 3 लाख रुपए बच्चा। अरे तो कोई वैसे प्रॉब्लम है, डॉक्टर प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत है वो बता, पैसों की बात मत कर। मैं सब जगह पैसा खर्च कर दूंगी जितना भी तेरे पे लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक ठाक हूँ बस मुझे। हाँ तो फिर बच्चा करना, फिर बच्चा कर। बच्चा क्यों नहीं कर रही? मुझे 3 लाख रुपए लगे। 3 लाख रुपया तो नहीं देती मैं तेरे को, तू जो मर्जी कर ले। दिमाग से निकाल दे बच्चा। चल ऐसे दिमाग से निकाल दे, शादी करके लाई हूँ तेरे को, कोई ऐसे नहीं लेके आई। लेके आई तो क्या करूँ मैं? क्या करूँ? बच्चा कर और क्या कर? बच्चा करूंगी मैं एक ही शर्त पे जो मैंने बोल दिया तुझसे। किस बात की मांग रहे तू ये तो बताना मेरे को, समझ हुआ है? 3 लाख रुपए का तू क्या करेगी? उससे मतलब क्यों नहीं? कुछ मैं तेरे को 3 लाख रुपए दे दूं और मुझे मतलब भी ना हो, वाह भाई हाथ मत लगाइए तेरा ना हाथ तोड़ दूंगी, पता है तेरे को? साली हाथ कैसे उठा रही है ऊपर से? तेरे को समझ नहीं आ रही? पैसे मांग रही है किस बात के बेशरम? तो क्यों मांग रही है बच्चा? तेरे माँ बाप को बुलाऊं? तेरे माँ बाप को बुलाऊं? बुलाऊं तो कैसे कर? तू कर रही है उनकी लड़की? तू कैसे कर रही है? क्या कर रही हूँ मैं? तो ये कह रही हूँ कि बच्चा कर और क्या कह रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं कह रही? मुझे पैसे चाहिए, पैसे देगी तभी बच्चा। तेरे माँ बाप को तेरे सारे रिश्तेदार को इकट्ठा कर लूंगी। बुलाना है बुला ले, मैं भी उनको जवाब दे सकती हूँ। क्या जवाब देगी बता रहा? मेरे को बताना क्या जवाब देगी उनको? भूल जा तुझे बच्चा मिलेगा, समझ में आया? बच्चा तो मुझे चाहिए। अबे जा नहीं दूंगी मैं। अरे चाहिए तो चाहिए ना, बोला मैंने अपने लड़के को भी बोला चल चल यहाँ से। भैनचोद होगी तू, तमीज है नहीं है बात करने की अपने साथ से? कैसे बात करते हैं? तुझे तमीज है? बुलाऊं तेरे बाप को? तेरे बाप को बुलाऊंगी, उसको बताऊंगी कैसे गालियां देती है मेरे को। बुला जा जिसे बुलाना है बुला ले जा, समझ में? शर्म तो है ही नहीं, शर्म बेच के खा गई है। नहीं है मेरे अंदर शर्म, ऐसी शर्म है तू गिड़गिड़ा रही है, बच्चा मांग रही है। हाँ तो बोलूंगी नहीं, मेरे को पोता चाहिए तो मैं भी मांगूंगी ना जो मुझे चाहिए। तो किस बात के 3 लाख दूं, कुछ बताएगी? राम जादी को शर्म ही नहीं है बात करने की? तुझे तमीज है? मेरे को तो तमीज है। बच्चा गिड़गिड़ा रही है, बच्चा बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। अपनी बहू से ही कह रही हूँ, किसी पड़ोसी से या किसी और लड़की को नहीं कह रही, बाहर से लाके कि मेरे लड़के के साथ सो और मुझे बच्चा दे। बहू भी तो कुछ कह रही है ना तेरे से? अरे तो समझ तो आए, किस लिए पैसा चाहिए? मैं कुछ भी करूँ कहीं भी लेके जाऊँ पैसे हो, तुझे देने से मतलब है बस? मैं नहीं दूंगी ऐसे जब तक मुझे पता नहीं चलेगा क्यों पैसा चाहिए तेरे को। मैं नहीं करूंगी बच्चा जा। क्यों नहीं करेगी बच्चा? तो तुझे करना पड़ेगा, ठीक है? बच्चा तो तुझे करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो और किसको बोलो कुतिया सी? अपने लड़के से बोलना। लड़के को भी बोल रही हूँ, साथ में तू भी साथ देगी तो ही तो होगा। मेरे को मार मत, मार मत, मेरे को नहीं बता दूंगी तेरे को। तू कैसे हाथ उठा रही? चल यहाँ से, भैंस चुड़े। हाथ मत लगा, तेरे बाप को बुला के बताऊंगी कैसे ऐसे कैसे नलायक औलाद भेजे हमारे घर में। मारेगी ना तो तोड़ दूंगी तेरे हाथ, बता रही हूँ। तेरे तो ऐसे ही रहने दूंगी ना मैं। चल यहाँ से दफाओ, कहा निकलू? घर मेरा है, प्रॉपर्टी मेरे नाम है, कहा निकलू बता? निकाल तो मैं तुझे दूंगी यहाँ से। दूर होके बात कर, समझ में आया? बता बता कहाँ दूर हूँ? कैसे उठा रही है साली? बताऊ तेरे को मैं, गाली देगी मेरे को? क्या करेगी तू? तेरा जीना हराम कर दूंगी। जबरदस्ती की जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है। घर से निकाल दूंगी अगर कुछ करा ना। जा बुला ले, तुझे जिसको बुलाना है जाके बुला ले, उखाड़ ले जो उखाड़ना है मेरा। उखाड़ क्या ले? बच्चा चाहिए मेरे को और नहीं दूंगी मैं बच्चा। क्यों नहीं देगी? रीजन तो बता। नहीं दूंगी मैं। क्यों नहीं देगी? किस लिए लाई थी तेरे को? तेरे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बता ना। दिक्कत है? बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो बता, मैं लड़के की शादी कर लूं? तेरा बेटा काम करता है? काम भी करता है, पलता है वो?
काम भी करता है और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है। काम करता होता है ना, आगे का सोचा होता है ना, तो मैं खुद कर देती, समझ में आया? किस चीज की कमी है, क्या कमी दे रही तेरे को घर में बताना? क्या किया तूने मेरे लिए? अरे क्या चाहिए बता, क्या चाहिए? मुझे पैसे चाहिए, वही तो मैं मांग रही। पैसा ऐसे नहीं दूंगी, मेरे मरने के बाद सारा कुछ तुम्हारा आएगा, लेकिन जीते जी नहीं दूंगा। कल को तुम घर से बाहर निकाल दो तो, और कल को मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्यों निकालूंगी? मैं ब्याह के लाई हूँ तेरे को, बूढ़ी बाड़ी हजार बंदे के अंदर, हजार बंदों के बीच में ब्याह के लाई हूँ, कोई ऐसे उठा के नहीं ले आई थी तेरे को। तुम बूढ़ी बाड़ी हो, कहीं भी जा सकती हो, मैं कहाँ जाऊंगी? घर से नहीं निकालूंगी। पहले तो हाथ चलाना बंद कर, चल यहाँ से। हाथ कैसे चला रही है? मुझसे बात करना, मुझसे ही बात कर रही है। बदतमीजी तूने शुरू करी पहले। मैं बदतमीजी और क्या? तू ही तो दिन रात बोलती रहती है बच्चा 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 बच्चा। कहाँ से बच्चा? तो बोलूंगी, बच्चा तो चाहिए। नहीं दूंगी मैं, क्यों नहीं देगी बताना? कोई कमी है तो मैं लड़के की शादी करा देती हूँ, शादी करा देती हूँ। तू बोल तेरे में कमी है, मैं दूसरी शादी करा देती हूँ आज उसकी। कोई कमी नहीं है तो फिर क्यों नहीं करती है बच्चा? करा देगी शादी ऐसे तो बोलूंगी ना, जब बच्चा नहीं तो फिर बच्चा देना, बच्चा क्यों नहीं दे रही? पैसे देना, पैसे नहीं दूंगी, पैसे नहीं दूंगी। तेरा तेरा बच्चा होगा, बच्चे के नाम कर दूंगी पैसा, लेकिन तेरे को नहीं दूंगी। तो पैसे नहीं देगी तो बच्चा भी नहीं। मैं बच्चे के नाम कर दूंगी, बच्चे के नाम कर दूंगी, जो भी कहेगी तेरे नाम नहीं करूंगी। कल को तू भाग गई तो क्या करूंगी? कल को तूने घर से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं क्यों निकालूंगी? मैं तो ब्याह के लिए, तू तो भाग के कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, ऐसे बोलती रही। आज ही तू पैसा मांग रही है तो कल को क्या करेगी? तू कौन है? पैसे मांग रही है, कुछ भी बात कर रहे हो हम? पैसे मांग रही है तुझसे मतलब? तू कौन है? क्या लग रही है? कोई भी लगे, तू कौन है? तुझे किसने बुलाया यहाँ पे? मैं चिल्लाने पे आ गया ना, चिल्लाने पे आ गया, मुझसे बात करना। क्या लग रही है तेरी? कोई भी लगे, घर का मैटर है, तुझे किसने बुलाया? बात करना, पार्क में क्यों आई है बात करने के लिए? बकवास करने के लिए? मेरी मर्जी में यही पे बात करूंगा, तेरी माँ ने बुला रखा है। मैंने बुलाया था, मैंने बुलाया था, तू सुनती नहीं मेरी, तू सुनती नहीं इसलिए बुलाया। साड़ी यहाँ पे फेंक दूंगा तेरे को, चले यहाँ पे बात कर, चले। तू सुनती नहीं मेरे को, मैंने बुलाया, मेरा पर्सनल मामला है वो, तू क्यों यहाँ पे बीच में? पर्सनल पहले निकाल लो, कौन सा पर्सनल? कौन सा पर्सनल? बच्चा मेरा पोता होना पर्सनल मामला है? शादी करके लाइए तेरे को, हाथ उठा रही है, अभी गाली दे रही थी मेरे को। यार खड़ा है तेरा वहाँ पे, यहाँ पे बात करना, चले चले यहाँ पे पास कर रही है, समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही तेरे, क्या लग रही है तेरी? मेरी सास। इधर राजा, मारूंगा तेरे को बहुत। क्या लग रही है? सास है ये मेरी, सास है तेरी। हाँ। पैसे क्यों मांग रही है? किस चीज के 3 लाख रुपए मांग रही है? क्योंकि ये बच्चा मांग रही है, मैं पैसा मांग रही हूँ। माँ बाप ने दे रखे तेरे को 3 लाख रुपए के? तेरे को उधार दे रखे तूने इनको? मेरी मर्जी, उधार दे रखे इनको? मर्जी किसकी होती है बता? तेरे को मर्जी किसकी होती है बताओ? तेरे को मर्जी किसकी होती है? तूने बोला ना मेरी मर्जी, मर्जी किनकी होती है? मर्जी किनकी होती है? मैंने बुलाया, बकवास कर रही है, मर्जी है तेरी? मर्जी उनकी होती है जो रोड पे खड़ी होती है, साड़ी तो उनके घर पे आई है बहू बन के, मर्जी है तेरी? तो बहू बन के आई, बहू की तरह ही रह रही हूँ, ठीक है? ये ज्यादा ऑफर बोल रही है। किस चीज के तेरे को? यूं बता, कौन सी बहू मांगती है 3 लाख रुपए? बकवास कर रही है। हाथ नहीं छोड़ रहा, हाथ काट दूंगा तेरा, हाथ काट दूंगा तेरा, हाथ काट दूंगा तेरा। बकवास कर रही है खड़े होके, हाथ कैसे उठा रहा? चुप हो जा, अभी भी समझा रहा हूँ, चुप जा, बोल रहा हूँ ना, चुप रहे, चुप रहे, समझा रहा हूँ ना तेरे को। चिल्ला मत मेरे पे, चिल्ला मत, चिल्लाई उस पे, समझ आ रही है तेरे को? साड़ी थप्पड़ मार मार के ना, जितने तेरे सर पे बाल नहीं होंगे ना, इतने तेरे ना यहाँ पे पता नहीं कितने वो कर दूंगा, बोलूंगा ना तेरा, साड़ी एक थप्पड़ में मुंह बिगाड़ दूंगा तेरा, समझ आ रही? खड़ी हो, खड़ी हो। 3 लाख रुपए किस चीज के मांग रही है तेरा? 3 लाख रुपए किस चीज के मांग रही है? 3 लाख रुपए किस चीज के मांग रही है बता, पता चुपचाप? किस चीज के मांग रही है? 3 लाख क्यों चाहिए? 3 लाख ना, एक बात बता, तू इसकी बहू बन के आई है, उसके बाद भी प्रेग्नेंट हो गए, 3 लाख रुपए मांग रही है प्रेग्नेंट होने के? कौन सी बहू मांगती है प्रेग्नेंट होने के 3 लाख रुपए? शादी करके लाए तेरे को? ए ना, तेरी शादी हुई है, तेरे एग्रीमेंट पे आई इनके घर पे, शादी हुई है तो शादी के बाद कौन सी बहू पैसे मांग के प्रेग्नेंट होती है? शादी के बाद कौन सी बहू प्रेग्नेंट होने के पैसे मांगती है? बकवास कर रही है इसके बारे में? ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है ये? तो बताना क्या चीज है ये? टॉर्चर करती है? एक बार बता, तू शादी करके आई है तो तेरा हक नहीं बनता पैसे मांग के प्रेग्नेंट होने का? या तो तू शादी से पहले बोल देती कि मैं बच्चा करने के पैसे लूंगी, तब मुझे नहीं पता था ना इसके बारे में कि इसके, तो 2 साल हो गए ना, 2 साल हो गए। ये क्या कह रही है तेरे को बता? क्या बोलती है तेरे को? बच्चा कर, और क्या चाहती तेरे से? बकवास कर, बकवास कर रही है यहाँ पे, बोल रहा हूँ ना, मत करे, समझ नहीं आ रही तेरे? क्या बोल रहा हूँ? बच्चा चाहिए मेरे को, अपना वंश आगे बढ़ाना है तेरे। ओए मैं क्या कह रहा हूँ, तू प्रेग्नेंट होने के पैसे ले रही है, तेरे पति को पता है इस बात का? नहीं, क्यों नहीं पता?
क्यों नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्यों नहीं पता? इधर आइयो, इधर आ, इधर आ। ले तेरा पति आ गया, 3 लाख रुपए मांग रही है ना बच्चा करने के। बकवास कर रही है यहाँ पे खड़े होके, है? देख लिया अपनी घरवाली को? बकवास कर रही है, मेरी माँ झूठी है, मेरी माँ झूठी है। देख कौन झूठा है साले, देख कौन झूठा है, देख कौन झूठा है, है? बकवास कर रही है, मेरा ये ऐसा, मेरा वो ऐसा। इधर आ, चले यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, देख अपने घरवाली को। बात करे, बात करने दो, एक मिनट बात करने दो उसको। ओए बकवास बंद करे, 3 लाख रुपए क्यों मांग रही है बच्चा करने का, वो बता। बकवास कर यहाँ पे, कल को लड़का हुआ लड़की हुई तो ये लड़की रख लेगी, निकाल देगी तो मैं क्या करूँगी? क्यों निकालेगी लड़की वो, क्यों निकालेगी लड़की होने के बाद? पागल हो रखे हो, मैंने बोला मैं नहीं कर सकती बच्चा, मुझे नहीं करना है। इधर आ, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? मेरी माँ मांग रही है ना 3 लाख रुपए बच्चा करने के, क्यों बोल रही है? बोलना, 3 लाख क्यों मांग रही हो, इससे पूछो मैं क्यों मांग रही हूँ, मांग रही है, मांग रही है, क्या बात है बताओ ना, क्या बात है? उसको ये कहते मुझे पोता चाहिए, तो ये कहते 3 लाख रुपए दे दो तक। ओए खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, लड़की हुई तो मैं कहाँ लेके जाऊंगी? तो भाई लड़की को घर से निकाल दूंगी तुझे, मैंने बोली कितने बार बोल चुकी है लड़की, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। इसलिए बोलती हूँ, पहला पोता हो जाएगा तो उसके नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी, दूसरा बच्चा करेगी, लड़का लड़की कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला आपने, क्या बोला आपने इसको? ये कह रही है कि तू लड़का लड़का मांगते रहते, तो मैं तो एक ऐसे जनरली बात करती हूँ कि पोता चाहिए मेरे को। आपने इसको यूं बोला कि लड़की होगी तो घर से निकाल दूंगी? मैंने ये बात नहीं बोली, बात बोली कितना झूठ, मत बोल, मैंने ये बात नहीं बोली, झूठ बोल रही है ये। अब कौन सा बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, चुपचाप बता दो, बता दो चुपचाप, मेरा हाथ बड़ों पे भी उठ जाता है, चुपचाप बता दो। मैंने सिर्फ ये कहा पहला पोता हो जाएगा तो मैं अपनी, आपने इसको यूं बोला था कि मेरे को एक लड़का चाहिए? हाँ बोला था। आपने ये बोला था कि अगर लड़की होगी तो घर से निकाल दूंगी? ये बात नहीं बोली, ये बोल रही है मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। पहला अगर लड़की हो गई, फिर लड़की हो गई तो फिर रखूंगी, कोई निकाल थोड़ा ना घर से लेके। मैंने आपको बोला था लड़की होगी तो निकाल दूंगी घर से? हाँ, इसने कई बार कब बोला था, 3-4 बार बोल चुकी है ये लड़की, झूठ बोल रही है। वो भी मेरा ही खून होगी, मेरी पोती भी, लेकिन इच्छा मन में मेरे ये होती है पहले पोता हो जाए। क्यों पोते की, क्यों लड़की की नहीं है? आप क्या हो, लड़की हो ना एक, आप नहीं होते फिर लड़की क्यों ना हो? लड़के लड़के के पीछे भागते रहोगे क्या? इसने इसने क्या गुल खिड़ा दिया आपको? निकम्मा है तो पोता आपका निकम्मा नहीं हो सकता क्या? ना तो आप भी निकम्मी हो, लड़की हो निकम्मी हो क्या? रोड पे खड़े होने वाले हो ना, नहीं ना घर गृहस्थी वाले हो ना, फिर लड़की होगी तो वो आपकी घर गृहस्थी वाली नहीं होगी? उसको कहा ही नहीं मैं निकालूंगी घर से, तो वो तो कह रही है आपने बोला झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही। मैं हमेशा ये कहती आप बड़े हो, देखो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, चुपचाप मेरे को बता दो क्या सच्चाई है क्या झूठ है, समझ आ रही है आपको? हर बात में बोल रही है लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, अगर लड़की हो गई तो मैं क्या करूँ? तो तू 3 लाख रुपए क्यों मांग रही थी, चुपचाप सच बता दिया? बिल्कुल मैं इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि कल को लड़की होगी, ये मुझे अपने घर में नहीं रखेगी। क्यों नहीं रखेंगे, क्यों रखेंगे? तुम घर पे रहते, तुम्हें पता ही क्या करती है, मैं क्या करती है, बोलती है मेरे को, क्या बोलती है, बोलना, खाते पीते सोते हर टाइम ये ताना मारती रहती है मेरे को। वो तो मैं इसलिए बोलती हूँ, पड़ोस में भी पोते हुए थे, चल मुझे भी एक पोता हो जाएगा। नहीं हुआ, आपको अपने घर से मतलब है, पड़ोस से, साथ वाली बबली से, शिल्पा से, किससे, पूजा से, मतलब किसके इससे मतलब है, अपने बेटे से, पूजा शिल्पा किसके बेटे से मुझे मतलब अपने बहू बेटों से तो मतलब फिर है। आप पड़ोसियों का नाम क्यों लेते हो बार बार ही, उनको बच्चा हो गया, एक साल में बच्चा हो गया, हर साल एक बच्चा देते रहेंगे, इनपे चिल्लाते रहोगे क्या? एक बच्चा तो देना, 2 सालों का उनका बच्चा देख के तो इनका दिमाग खराब कर रखा आपने। ट्राई करेंगे, पैदा करेंगे, 1.5 साल और लग जाएगा इनको, कितना वेट करूं तो खरीद के ले आओ, बाहर रोड पे मिलता है कहीं बच्चा तो खरीद के लेके आ जाओ। बहू किस लिए लाई थी? बहू तो इसीलिए लाई थी कि बच्चा हो जाए घर में, एक रौनक हो जाएगी, मैं भी खेल लूंगी बच्चे के तो साथ। आप उसको यूं बोलोगे बच्ची होगी तो तेरे को घर से निकाल दूंगी, होते नहीं करेगी ये बात, मैंने नहीं बोली, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, कौन जो तुझसे सच निकलवा गया है, थप्पड़ खाएगी अभी खड़े पैर, झूठ बोल रही है हर बात में, झूठ बोल रही है। मैं तो जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, डंके की चोट पे मैंने तुझे बोला मुझे पोता चाहिए, बस ये नहीं बोला पोती होगी तो निकाल दूंगी, ये नहीं बोला। वो भी मेरा ही खून है, वो भी मेरा खून है, मुझे ये बोला था कि मुझे लड़का चाहिए, लड़का। अब अगर इन्होंने प्लानिंग करी, गलती से लड़की हो गई तो आप इनको घर से निकाल, क्यों निकाल दूंगी? मेरा अपना खून होगा, वो तो लक्ष्मी होगी यार, कैमरे के सामने बोल रहे हो? हाँ कैमरे के सामने बोल रहे हो, मेरा अपना खून होगा। कल के दिन अगर इनको, कल के दिन अगर इनकी लड़की होती और अगर आपने इनके साथ कोई बदतमीजी करी ना, और इनमें से किसी का मेरे पास फोन आया तो घर पे आऊंगा, अगर हॉस्पिटल में होगे तो हॉस्पिटल में घुस जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे को पोती होगी ना, पार्टी करूंगी, खुद बुलाऊंगी, और पोता होगा तो दारू पिलाओगे सबको? हाँ वो भी पिलाऊंगी, वो भी पिलाऊंगी, पोती होगी तब भी शर्म आनी चाहिए आपको।
ये पोता लड़का लड़की का आपने खेल बना रखा है यहाँ पे, मुझे बच्चा चाहिए, भगवान जो दे दे इसकी झोली में, तो ये बोलो ना कि जो मिल जाए ले लूंगी। हाँ तो कह रही हूँ जो मिल जाएगा वो बोल रही है अभी, बोल रही है अभी, अब कैमरे के सामने बोल रही है कि जो होगा कोई बात नहीं मेरा ही है। इसको 3 लाख रुपए नहीं दूंगी। वो तो इस चक्कर में मांग रही है कि आप लड़की लड़की नहीं मांगते, अगर लड़की हो गई घर से निकाल दिया तो उसको पालन पोषण कौन करेगा। बच्चा होगा तेरे सामने अपनी वसीयत भी बनाऊंगी, उस बच्चे के नाम करूंगी, लड़का हो लड़की हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनाई दे रहा, क्या सुनाई दे रहा है भाई? सुनाई दे रहा है। क्या करना है अभी भाई? करना है क्या? करना है क्या? करना है? हंस मत, माँ के सामने हंस रहा साले, तेरी माँ तो तेरे को सामने कह रही है मेरे को बच्चा चाहिए। तो भाई बोल ना माँ को। भाई जब तक मैं पैरों पर नहीं खड़ा हूँ मैं कैसे कर लूँ बताओ? इसे पूछ लो कौन से पैरों पे खड़ा होना है इसने, पूछ लो भाई। हम लोगों ने ये भी सोच रखा था कि 1-2 साल बाद हम काम करेंगे आगे। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारी जो क्या कह रही थी इसको चुड़ैल, ये तेरी चुड़ैल सास जब मर जाएगी तो किसके लिए रख के जाएगी प्रॉपर्टी? देखा था ना कैसे चुड़ैल हरामजादी ऐसे गालियां देती है, बोलती रहती है। तो तू अपने बड़ों से यूं बोलेगी हरामजादी चुड़ैल? तो तेरी गलत बात है ना, मारू तेरे को 2 थप्पड़। और मेरा तो जो कुछ है चुपचाप पाँव में पड़ के सॉरी बोल के नीचे बैठ, नहीं लेके जाऊंगी नीचे बैठ, बोल सासू माँ मुझे माफ कर दो, सासू माँ मुझे माफ कर दो, मेरे को तेरे से कोई नाराजगी नहीं है, मेरी लड़की की तरह है तू, खड़ी हो और मेरे को बस एक बच्चा दो और कुछ नहीं चाहिए तुम दोनों। ये घर पे क्या कलेश लगा रखा है, गुम करो एक, दे दो इनको बच्चा, खत्म करो कहानी। आए दिन यहाँ पे घर पे कलेश चला रखा है, कल नहीं आज करना है परसों करना है, उससे एक दिन पहले करके दे दो इनके हाथ में, यही घुमाती रहेंगी फिर आती रहेंगी अपने काम पे लगे रहो। फिर मैं तो इनको दूंगी भी नहीं, उठाने भी नहीं दूंगी, मैं ही सारे काम करूंगी उसके सारे। लेके जा अपनी माँ को यहाँ से और चले। बकवास लगा रखी है यहाँ पे तीनों ने, बच्चा चाहिए 3 लाख रुपए चाहिए। अब रोड पे कोई बच्चा कभी ना मिलता है कि भाई उठा के दे देंगे, 3 लाख रुपए बहू मांग रही है बच्चा करने के। अब लास्ट में पता लग रहा है कि सास जो है बहू को यूं कह रही है मेरे को लड़का चाहिए, लड़की होगी तो मैं तेरे को घर से निकाल दूंगी। तो लड़की यूं कह रही है अगर मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं पालन पोषण लड़की का कैसे करूंगी, उसके 3 लाख रुपए चाहिए। समझ ही नहीं आ रहा आए दिन दुनिया में क्या हो रहा है, गर्मी के साथ लोगों के दिमाग भी खराब हो रहे हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, हम आपको मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।